नमस्कार, मैं उप्रिया। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में जुटे भारत के बड़े बड़े पहलवान। बिहार की राजधानी पटना में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय आयोजित कार्यक्रम में भारत के कोने कोने से पहलवानों का जमावड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत 26 जनवरी से हो चुकी है, जहां पहले दिन बिहार के प्रतिभागी ने यह खिताब अपने नाम दर्ज किया है। आपको बता दें, इस नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में समूचे बिहार में कुल मिलाकर 27 टीम ने हिस्सा लिया है, जिसके तहत इन 3 दिनों में लगभग 700 खिलाड़ी इस खिताब के लिए मैदान में आमने सामने होने वाले हैं। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने की बिहार के शैलेश की प्रशंसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के शैलेश की जमकर सराहना की है, जहां उन्होंने शैलेश के मन की बात कार्यक्रम के प्रति लगाव को देखकर उनकी तारीफ की है। अपनी तारीफ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मुझे बिहार के शैलेश के रूप में एक बहुत ही प्यारा मित्र मिला है। हालांकि ये बात अलग है कि अभी शैलेश बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली में रह रहे हैं और अपने एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने निकाली रिक्तियां। पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग ने वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए 244 पदों पर रिक्तियां निकाली है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक या समकक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टेलीविजन में राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र या अनुभव के साथ इसके समान अन्य कोई समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.pscwbonline.gov.in पर जाकर 5 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर ले सकते हैं। 17 विभागों की झांकी में शिक्षा विभाग को मिला प्रथम पुरस्कार। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में झांकियों को दर्शाया गया, जहां पर इस बार की झांकी में सरकार की जल जीवन हरियाली योजना की झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिसके तहत शिक्षा विभाग को प्रथम पुरस्कार से नवाजा भी गया। वहीं दूसरा स्थान उद्योग विभाग की झांकी महारथी शिव संस्थान को दिया गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल मिलाकर 17 झांकियों ने हिस्सा लिया था। रेरा ने बिल्डरों के लिए जारी की जरूरी दस्तावेज। बिहार के सभी बिल्डरों के लिए अहम सूचना। बिहार के सभी बिल्डरों के लिए रेरा यानी कि रियल स्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक अहम निर्देश जारी किया है, जिसके तहत रेरा ने यह साफ कहा है कि बिहार के सभी बिल्डरों को बीते 2 साल में पूरे किए गए सभी प्रोजेक्ट्स का सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। इतना ही नहीं, अब सभी बिल्डरों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट यानी कि पूरा कब हुआ उसका विस्तृत जानकारी देनी होगी। चप्पल पहनकर देनी होगी एसटीईटी की परीक्षा। 28 जनवरी को आयोजित होने वाले एसटीईटी की परीक्षा में परीक्षा समिति ने कई अहम बदलाव किए हैं, जिसके तहत परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ियों को अनदेखा करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें परीक्षार्थियों को सख्त निर्देश देते हुए परीक्षा के दौरान चप्पल पहनकर आने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी परीक्षार्थियों का अटेंडेंस बायोमेट्रिक सिस्टम से लेने की अपील भी की गई है। पटना के पटना साहिब गुरुद्वारा में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना के हरमिंदर तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा को सिख समुदाय का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। पटना का यह हरमिंदर तख्त श्री पटना साहिब का यह गुरुद्वारा गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। पटना साहिब आए सभी पर्यटकों का यह मानना है कि यहां आकर हर इंसान को काफी शांति मिलती है। पटना साहिब का यह गुरुद्वारा भी इसीलिए खास माना जाता है क्योंकि यहां पर सिखों के 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। अब बिहार म्यूजियम में बैठकर पढ़ सकते हैं कला संस्कृति का इतिहास। कला और संस्कृति के इतिहास की जानकारी रखने वाले आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। अब बिहार म्यूजियम घूमने जाने वाले लोगों को म्यूजियम के अंदर कला और संस्कृति से जुड़े किताबों को पढ़ने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए अब बिहार म्यूजियम में स्टडी रूम की सुविधा शुरू की गई है, जहां पर फिलहाल लगभग 2000 किताबों का संग्रह किया गया है। आपको बता दें, इन किताबों से आप बिहार की कई सारी जानकारियों से अवगत हो सकते हैं। किशनगंज के किसान अब उगा रहे हैं पान। किशनगंज के सभी किसानों ने एक नया कारनामा करके दिखाया है, जिसके तहत यहां के किसानों ने चाय और अनानास की खेती से सबको आश्चर्यचकित तो कर ही दिया था। अब यहां के किसानों ने पान की खेती कर नया कीर्तिमान रच दिया है। खबरों की माने तो अब यहां के सभी किसान पान की खेती कर पान को बंगाल के बाजार में बेचेंगे। चले जानते हैं बिहार की इस जानी मानी हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे उषा चौमर की। बिहार की उषा चौमर आज स्वच्छता मिशन में एक बड़ा नाम बनकर उभरी हैं। स्वच्छता के लिए काम कर रहे उषा आज अमेरिका समेत 5 देशों का भ्रमण कर चुकी हैं। साल 2008 में उनके द्वारा ही बनाए गए कपड़ों को पहनकर विदेशी मॉडल ने सैनिटेशन व्यवस्था के सुधार के लिए यूएन की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में कैटवॉक किया था। गरीबी और गंदगी में आधे से ज्यादा जीवन गुजारने के बाद साल 2003 में नई दिशा संस्थान से जुड़ने के बाद उनके जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिला, जिसके बाद से अब तक वो लगातार समाज सेविका के रूप में काम करती नजर आ रही हैं। उनके इन उपलब्धियों के लिए हाल ही में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। मुख्यमंत्री अपने लोक संवाद में विभिन्न मामलों का ले रहे हैं संज्ञान।
पटना में शुरू हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में लोक संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विभागों के सामने अपने विभाग को दुरुस्त बनाने के लिए सुझाव पेश करने का प्रस्ताव रखा था, जिसके पश्चात विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने सुझाव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पेश किया। आपको बता दें 27 जनवरी को आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के पहले दिन लगभग 15 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। इंटर की परीक्षा में शामिल होंगे 40,000 परीक्षार्थी। कुछ ही दिनों बाद होने वाले इंटर की परीक्षा में इस साल पूरे राज्य से लगभग 40,000 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। इन सभी परीक्षार्थियों के लिए बिहार बोर्ड ने कुल मिलाकर 46 केंद्रों का आयोजन किया है। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बिहार बोर्ड ने जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। STET की परीक्षा की तरह ही 3 फरवरी से शुरू होने वाले इस इंटर की परीक्षा में भी छात्रों को जूते मोजे पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गई है, यानी कि अब छात्रों को परीक्षा के दिन चप्पल पहनकर ही आना होगा। इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने इस बार यह साफ कर दिया है कि जिन भी छात्रों ने बोर्ड द्वारा जारी किए गए नियम कानून का पालन नहीं किया, उन्हें परीक्षा केंद्र में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार फिर मौसम अपने बदलने वाला है मिजाज। आने वाले कुछ दिनों में जहां आम नागरिक ठंड से निजात पाने की उम्मीद जता रहे, वहीं इसके उलट मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ और ही कह रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 28 से 30 तारीख तक मौसम का मिजाज बदला बदला सा होगा। इतना ही नहीं, 28 से 30 जनवरी तक पटना समेत कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं भी जताई गई है, जिसके कारण ठंड से अभी फिलहाल राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई गई है। तीर्थ स्थल के भ्रमण के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन है बेहतर विकल्प। अगर आप भी संगम स्नान या शिरडी सहित विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा बिना किसी रुकावट से करना चाहते हैं तो फौरन आस्था स्पेशल ट्रेन की टिकट करवा लें, क्योंकि रेलवे विभाग ने तीर्थ स्थलों पर जा रहे पर्यटकों के लिए नई टूरिस्ट ट्रेन चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब यह ट्रेन 18 फरवरी से रक्सौल वाया दरभंगा के रास्ते होते हुए चलाई जाएगी, जो कि रात के 11 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक की यात्रा में इलाहाबाद, उज्जैन, सोमनाथ, शिरडी, नासिक का दर्शन करवाने के बाद 29 फरवरी को वापस हो जाएगी। अररिया SP को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। यह सम्मान अररिया के SP धूरत सयाली को उनके साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए दिया गया है, जिसके तहत मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सयाली को अवार्ड देकर सम्मानित किया। इतना ही नहीं, धूरत सयाली ने साल 2010 में चुनाव के दौरान बेहतर पुलिसिंग की थी, जिसके लिए भी उन्हें पुलिस अधिकारी और जवानों का पूरा सहयोग मिला था। BSEB के क्षेत्रीय कार्यालयों का हो गया उद्घाटन। बिहार के सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। अब बिहार के किसी भी छात्र को किसी भी काम के लिए बिहार परीक्षा समिति के कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उद्घाटन के साथ ही बिहार बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों का शुभारंभ हो गया है। आपको बता दें यह परीक्षा भवन क्षेत्रीय कार्यालय पटना, मुंगेर, गया, सहरसा, भागलपुर, दरभंगा में निर्माण करवाया गया है। राजस्थान के बाद अब बिहार की एक छात्रा में कोरोना के लक्षण की आशंका। इस समय में कोरोना का असर पूरे चीन में फैला हुआ है। हालात तो यह है कि यह कोरोना धीरे धीरे करके तमाम देशों में भी अपनी पैठ बनाने में जुट गया है, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी, मगर अब इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। खबरों की माने तो छपरा जिले की एक छात्रा में कोरोना के लक्षण पाए जाने की आशंका जताई गई है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है और एहतियात बरतते हुए उसे उपचार के लिए PMCH में भेज दिया गया है। प्रशांत किशोर ने दिल्ली विधानसभा को लेकर किया ट्वीट। वर्तमान में जदयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर इस चुनावी साल में दो नाव पर सवार है, जहां एक ओर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वो जदयू के लिए प्रचारक की भूमिका निभाने वाले हैं, वहीं अगले महीने होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की अगुवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में हाल ही में उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 8 फरवरी को दिल्ली में EVM का बटन तो प्यार से ही दबेगा, जोर का झटका धीरे से लगना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे। नीतीश कुमार के पैतृक स्थान पर दिखा तेज प्रताप का क्रेज। कहने को तो नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैतृक स्थान है, मगर वहां पर हाल ही में तेज प्रताप यादव के जनसभा में इकट्ठा लोगों को देखकर अलग ही नजारा देखने को मिला। या तो तेज प्रताप यादव एकंगड़ सराय पहुंचे, जहां उपस्थित सभी राजद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसका फायदा उठाकर तेज प्रताप यादव ने राज्य सरकार पर जमकर बयानबाजियों का सिलसिला शुरू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि बिहार की कुल शासन इस सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे। जदयू नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को लेकर दिया बड़ा बयान। जदयू के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी इन दिनों मुंगेर जिले के दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने लल्लू पोखर में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए यह कहा कि ओवैसी की पार्टी और राजद CAA और NRC के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इन लोगों की बस यही मंशा है कि ये अल्पसंख्यकों को अपने पक्ष में गोलबंद कर ले। उन्होंने आगे कहा कि अभी विपक्षी दलों को इस बात पर सोच विचार करना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों के शासन में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए क्या किया है।
प्रशांत किशोर के जदयू से बाहर होने की अटकलें हुई तेज, ऐसा हमारा नहीं बल्कि जदयू के खेमे से आई खबर का कहना है। खबरों की माने तो जदयू के उपाध्यक्ष पद पर रहने के बावजूद प्रशांत किशोर के बगैर ही चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। चुनावी रणनीति से बाहर तो निकाले ही गए प्रशांत किशोर, अब उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक में भी सम्मिलित होने के लिए कोई खोज खबर नहीं दी गई है। यानी कि अब साफ है कि साल 2015 की तरह इस साल होने वाले चुनाव में प्रशांत किशोर के हिसाब से रणनीति नहीं बनाई जाएगी। सहवाग ने राहुल और पंत को लेकर दिया बयान, कहा राहुल खेलते हैं जबकि पंत सिर्फ बोलते हैं। पंत की जगह विकेट कीपिंग की कमान संभाल रहे केएल राहुल जिस तरह से खेल रहे हैं और परिस्थितियों के हिसाब से खेल रहे हैं, उसने सभी का दिल जीत लिया है। राहुल के इस फॉर्म को देखकर पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने पंत और राहुल की तुलना करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। मैच के बाद क्रिकेटर वेबसाइट से बातचीत के दौरान सहवाग ने कहा कि राहुल ने पिच और हालत के मुताबिक बल्लेबाजी की जबकि पंत सिर्फ ऐसा बोलते हैं, वो करते नहीं है। उन्होंने कहा कि पंत सिर्फ बोलते हैं कि मैं हालात के मुताबिक खेलता हूं, लेकिन मैंने उन्हें हालात के मुताबिक खेलते कभी नहीं देखा। स्ट्रीट डांसर 3D पर्दे पर कर रही है शानदार प्रदर्शन। डांस से भरपूर इस फिल्म को रिलीज होने के बाद काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की यह फिल्म लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है। boxofficeindia.com के मुताबिक वरुण धवन और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म ने केवल गणतंत्र दिवस के अवसर पर 16 से 17 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं पिछले 3 दिनों का अगर पूरा रिकॉर्ड देखें तो इस फिल्म ने अब तक लगभग 40 करोड़ की कमाई कर ली है। अब आइए जानते हैं कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। अक्सर महिलाएं आए दिन बाल झड़ने की समस्या से जूझती रहती है। महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताएंगे जिससे आपके बालों का झड़ना काफी हद तक नियंत्रण में आ सकता है। बालों के झड़ने की मूल वजह मौसम में बदलाव, अव्यवस्थित खानपान, प्रदूषण को माना जाता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि हम अपने बालों का खास ध्यान रखें। बाल झड़ने से रोकने में प्याज का रस बेहद कारगर साबित होता है। प्याज ना सिर्फ बालों का झड़ना रोकता है बल्कि टूटे हुए बालों की जगह नए बालों के आने में भी मदद करता है। सही खानपान से भी आप अपने बालों का टूटना रोक सकते हैं। इसके अलावा बालों में नियमित तौर पर तेल, नींबू, दही के इस्तेमाल से भी बाल टूटने की समस्या कम हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने डॉक्टरों की बहाली पर दिया बड़ा बयान। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने देश भर में डॉक्टरों की समस्या को देखते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि अब समूचे देश में साल 2024 तक लगभग 1,00,000 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। इसके साथ ही अब हर स्वास्थ्य केंद्र पर जल्द ही टेलीमेडिसिन की शुरुआत भी जल्द से जल्द की जाएगी। आपको बता दें उक्त बातें अश्विनी चौबे शाहकुंड प्रखंड के चारा स्वास्थ्य उप केंद्र में लगे स्वास्थ्य शिविर के उद्घाटन के बाद लोगों को संबोधित करने के दौरान बोल रहे थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, भूजल के संरक्षण के लिए आम नागरिकों और सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।